हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप C1 नोकिया C1 जो मोबाइल है, अगर आपके मोबाइल में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आ जाए, मान लो आपका फ़ोन ऑन हो रहा हो बट डिस्प्ले पे कुछ ना दिखाई दे रहा हो, या फिर इस तरह से ब्लिंक कर रहा हो ऑन होने पे, इस तरह से लाइट आ रही हो और जा रही हो, तो ये किस तरह से आप इसे सही कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक वजह तो ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम तभी आपके फ़ोन में आएगी अगर आपका पत्ता जो है वो थोड़ा सा कहीं से क्रैक हो जाए, जैसे कि इसमें जो है इस पॉइंट से जो है ये पत्ता, इस पॉइंट से जो है ये पत्ता क्रैक हो चुका है, तो जो लाइट के कनेक्शन हैं वो क्रैक हो चुके हैं, तो या तो आपको डिस्प्ले चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको वही डिस्प्ले सही करनी है तो मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा, आपको कनेक्शन बनाने होंगे, तो इस तरह से कनेक्शन देकर आप अपनी डिस्प्ले को सही कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं इसको टच कर रहा हूँ, इसको बिठा रहा हूँ, तो जो डिस्प्ले पे है वो लाइट लाइट जो आपको दिखाई देगी, ये देखिए, अगर छोड़ूंगा तो हट जाएगी। तो इस तरह से ये अगर पत्ता क्रैक हो जाए तो आपका फ़ोन इस तरह से प्रॉब्लम देगा। तो सबसे पहले हम पत्ते को चेक करेंगे कहीं हमारा पत्ता क्रैक तो नहीं, अगर पत्ता क्रैक हो तो जिस तरह से मैं बताऊंगा, हल्का सा क्रैक हो तो जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से आप खुद कनेक्शन देकर उसे सही कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो डिस्प्ले है आप डिस्प्ले को निकाल के भी कर सकते हैं, वैसे तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, फिट डिस्प्ले में ही फोन में सेट। ये LED है जो डिस्प्ले पे लाइट देती है, ये अभी इस तरह से चिपका होता है, मैंने इसको निकाला है, उतारा है इसे, तो अभी मैं एक इस साइड और एक इसकी दूसरी साइड पे जो है वो जो कॉपर वायर है उसको यहाँ पे लगा दूंगा। ये दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। तो आपको कॉपर वायर को लेना है, जिसे हम जंपर वायर कहते हैं, इधर लैंग्वेज में इसे जंपर वायर कहा जाता है, उसको लेना है, फिर उसे जो LED है इनके दोनों साइड पे सोल्ड कर देना है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसे सोल्ड कर देना है। इस तरह से मैंने जो है वो दोनों वायर को इसमें सोल्ड कर दिया है, जो डिस्प्ले की LED है उस पर सोल्ड कर दिया है। देखिए दोनों वायर वो सोल्ड हो चुके हैं, अब हम इसे जहाँ डिस्प्ले लगती है उन चेक पे इसको लगा देना।
ये वायर को जो एक वायर है वो दूसरे नंबर पे, और जो दूसरी वायर है वो तीसरे नंबर पिन पे इनको सोल्ड करना है। जो आपकी एलईडी की जो लेफ्ट साइड की वायर थी, लेफ्ट साइड की, वो नंबर टू पे लगेगी, और जो इस साइड राइट साइड पे थी वो आपकी नंबर थ्री पे लगेगी। जो लेफ्ट साइड वो नंबर टू, और जो इस साइड राइट साइड वो नंबर थ्री पे लगेगी। इस तरह से सोल्ड करने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपकी डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, और डिस्प्ले पे आपके लाइट भी बिल्कुल सही ढंग से आ रही है। ये देखिए, तो इस तरह से जो है वो आप अपने फ़ोन को इस तरह से जुगाड़ के थ्रू सही कर सकते हो, और ये 100% काम करेगा। और ये जो है आपका जिसमें भी इसी तरह की डिस्प्ले लगती है, जैसे कि C1, C2 और आपका C101, C202, C102, इन सभी में जिसमें भी इस तरह की डिस्प्ले आती है, उनमें अगर उन सेटों में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी जिस तरह से मैंने बताया कि ब्लिंक कर रही हो, लाइट आ रही हो, जा रही हो, तो और आपका पता यहाँ कहीं से भी क्रैक हो और उसको इस तरह से कनेक्शन देकर आप अपने डिस्प्ले को सही कर सकते हो। तो मेरे YouTube व्यूअर ने, किसी व्यूअर ने अपनी जो C2 मोबाइल के बारे में दिक्कत बताई थी कुछ इसी तरह की, तो शायद हो सकता है इस वीडियो से उनको हेल्प मिले। उम्मीद करता हूँ कि उनके फ़ोन में अगर इसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उनको ये जो वीडियो है वो 100% काम करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जो चैनल का बेल आइकन है उसको प्लीज़ ज़रूर एक्टिवेट कर लें। उससे क्या होगा कि आपको जब भी मैं कोई वीडियो, न्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।